हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा प्यार भय नमस्कार। तो मैं निधि फिर से आ गई हूँ आप लोग के साथ एक नए वीडियो लेके। तो उम्मीद करूँगी आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी एकदम बढ़िया हैं। नए दिन की नई शुरुआत के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7 बजे, मतलब 7 बजने वाले हैं। तो अभी हमारा ऐसे ही काम चल रहा है। पापा लोग गए हैं दूध देने के लिए, अभी थोड़ा पहले उठे हैं हम, तो नींद जैसा लग रहा है मेरे को। तो अभी अम्मा ने दूध भी गर्म कर लिया है, अम्मा सुबह सुबह ही कर लेती है। और आज मैं जाने वाली हूँ ससुराल को, मायके की छुट्टी ख़त्म। तो आज ससुराल को जाऊँगी और भिटौली भी लेके जाने वाली हूँ। तो अभी मम्मी लोग बनाएंगे, अभी तो स्टार्टिंग नहीं हुई है, अभी थोड़ा देर में बनाएंगे। नीचे वाली बाखली में मम्मी ने बोला है बनाने के लिए, तो अभी जब वो आएंगे तो हम बनाएंगे। वैसे तो हमारे यहाँ मीठी पूरियाँ बनती हैं यहाँ, लेकिन वहाँ मीठे नहीं बनते, सिंपल बनते हैं। तो वहाँ सिंपल ही लेके जाएंगे हम। तो अभी तैयारी करेंगे, अभी धूप भी नहीं आई है, थोड़ा जल्दी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ली है। हल्की हल्की आने लगी है, तो मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा है आज का। सूरज हल्का हल्का आ गया है, ऐसा मौसम है। ये मेरी अम्मा, बकरी, भैंस सब बाहर बादली है, इसमें रखा है गर्म पानी। और यहाँ पे बनाने वाले हैं हम चूल्हा, तो मम्मी पत्थर लेके आ रही है क्योंकि इस वाले में नहीं बन पाएगा ना, तो इसीलिए हम बनाने वाले हैं। यहाँ पे लगी है मम्मी, चूल्हा हमारा बन गया है यहाँ। और इसमें अम्मा ने लकड़ी भी लगा दी है, चूल्हा जला दिया, इतना बड़ा बनाया है हमने चूल्हा, क्योंकि कढ़ाई भी हमारी इतनी बड़ी है। तो बड़ी कहाँ है, छोटी है वो। अभी अम्मा यहाँ टीका लगाएंगी, पहले चूल्हे को भी लगाते हैं ना। हम कढ़ाई को भी रखी, इसमें डालेंगे हम हल्दी का टुकड़ा और एक सिक्का। ये चाचा जी हैं, अभी हम इसमें तेल रख लेते हैं, तब तक गर्म हो जाएगा। इसमें डालेंगे तेल, तब तक अच्छे से गर्म हो जाएगा ना। चाचा जी कर रहे हैं यहाँ काम। चल ताई जी लोग के लिए चाय पूरी बनाने की स्टार्टिंग भी हो गई यहाँ। पहन पीछे यहाँ स्टार्टिंग हो गई है पूरी बनाने की, एक दो बना भी लिए हैं इन्होंने। नीचे वाली अम्मा, ताई जी और ये चाची। पानी भी आ गया है और पापा भी आ गए दूध देके, पानी भर रहे। हम करते अपने काम। इस बाल्टी को लेके जाते हैं अंदर, इसमें रखे हैं आलू चूल्हे में। तो दोस्तों यहाँ बन रही है पूरियाँ भिटौली, लोधे वाली अम्मा भी आ गई है हमारी। अम्मा हेलो, ये ताई जी है अम्मा। अभी चाची ने संभाला है चूल्हे में, और यहाँ मेरी मम्मी पैकिंग कर रही है। अभी तक यहाँ पे धूप आ जाती बट बादल लगे हैं, तो यहाँ पे सही हो रहा है बनाने के लिए। चाचा जी और बाबा आलू के काम में लगे हैं, और पता नहीं चाचा जी को शर्म क्यों आ रही है, वहाँ आलू छिल रहे हैं। और यहाँ पे अम्मा बैठी है मेरी, बादल भी सही लगे हैं आज, हम आराम से बना सकते हैं यहाँ पे, वरना यहाँ पे अभी तक धूप आ जाती। चाचा जी अब काम में जाएंगे, और दूसरे चाचा जी काट रहे हैं प्याज पकौड़ी के लिए। अभी यहाँ पूरी बन रही है, अभी बहुत है, बना रही है, खिलो रही है, लगा हुआ। अभी ताई जी आ गए हैं दूसरे वाले चूल्हे में। पूरी हमारी बन गई है, अभी चाची बना रही है बोर्ड। चाची बोर्ड बना रही है। तो दोस्तों पूरियाँ हमारी बन गई है, और अभी बना रहे हैं बोर्ड, उसके बाद पकौड़ी बनाएंगे। चूल्हा जैसे सुबह सुबह के टाइम में बादल लगे थे, लेकिन अभी काफ़ी तेज वाली धूप आ गई है, वहाँ पे इतनी गर्मी होने लगी है। आज काफ़ी सारे लोग आए हैं यहाँ पकौड़ी। यहाँ हमारी किट्टी सोई है, इसकी तो नींद ही पूरी नहीं होती। मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाह, कैसी आँखें दिख रही, खतरनाक। सो जा, सी जा, देखो से, देखो देखो से।
अब यहाँ पे बन रहे हैं पकौड़ी। ये है बड़, ये मांस के बड़ है पकौड़ी दो। ये अम्मा की चाची लगी है, अम्मा डाल रही है और चाची निकालने वाली है। पकौड़ी तो इतने बन भी गए हैं, वैसे काफी मस्त बने। इसमें लाई भी डाली हमने। ये तो मांस के बड़े और ताईजी लोग इतनी बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। तो दोस्तों हमारे आलू के गुटके भी बन गए हैं। ये बनाए हैं मेरी चाची ने बनाए हैं। चाची ने बना लिए हैं गुटके आलू के, और यहाँ ये पकौड़ी खा रहे बैठे बैठे। तो दोस्तों पूरी वगैरह बन गए हैं। अब यहाँ पे पूरी बनाने के बाद स्टार्टिंग हो गए खाने की, आलू के गुटके, चाय और पकौड़े। अभी सब लोग बैठ के खा रहे हैं। वही रखो मैं अल्लाह खून में अल्लाह नहीं खाने। अभी सब लोग साथ में बैठ के खाएंगे। ये है अम्मा सबको बांटने वाले। ये मेरी मम्मी ने बनाया मीठा वाला हलवा, चावल का सह बोलते हैं इसे। अभी यहाँ पे सारे लोग काफी अच्छा लग रहा है, सब लोग साथ में हैं। अभी शंकर चाचा भी आ गए हमारे। यहाँ यशोदा भी चाय। यहाँ पे तीन अम्मा यहाँ पे बैठे हैं। तो दोस्तों सबने नाश्ता भी कर लिया है पूरी बना के। अभी हम होते हैं रेडी। सर धो लिया मैंने। चलते हैं, हम इमोशनल हो गई। ये तो बहन है, अभी मेरी अम्मा इमोशनल हो गई। चलो अब चलते हैं, बाखली को बाय बाय कहते हैं। यशोदा और मम्मी पहुंचाने आ रहे हैं हमको करबला तक। तो दोस्तों अभी हम निकल गए हैं घर से, पापा मेरे को पहुंचाने आ रहे हैं वहीं तक। अक्षित आता बट उसके पैर में लगी है इसलिए वो नहीं आ रहा। यशोदा और मम्मी तो आएंगे करबला या मार्केट तक, गाड़ी नहीं मिलेगी तो उसके हिसाब से आएंगे। अभी आए हैं मेरे को पहुँचाने के लिए यशोदा और मम्मी। यशोदा के हाथ में है बैग कपड़ों वाला, मम्मी के सर में है पूरिया पिटौली। चलते हैं, बादल भी लगे हैं, भी मौसम सही है। तो दोस्तों अभी हमने लगा रखी है दौड़, और एक तो इतनी तेज़ गर्मी लग रही है ना, और अभी बज गए हैं 11:30। तो मम्मी लोग तो आगे आगे जा रहे हैं, मैं और यशोदा आ रहे पीछे से। यशोदा ला रही है बैग, वैसे तो मेरे हाथ में भी है एक और कंधे में भी है। चलते हैं, बीच बीच में हवा चल रही तो अच्छा लग रहा। आज हमारे घर में यहाँ सुनसान हो जाएगा, बुरा लगेगा। मैं तो काफ़ी इमोशनल हो गई थी, वैसे मेरे भाई का आने का मन था लेकिन यहाँ पैर की वजह से वो काफ़ी दर्द हो रहा उसे, तो इसलिए हम मना कर दिया, इसलिए पापा यार है। यशोदा बुरा लगेगा, अब वहाँ खाली खाली लगेगा। अभी चलते हैं करबला, वैसे थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे, फिर गाड़ी मिलती है कि नहीं ये प्रॉब्लम है। अभी हम पहुँच गए करबला, गाड़ी तो एक भी नहीं आ रही। यशोदा मैं बैग ऐसे लेके जा रहे। हम पहुंच गए हैं राम मंदिर। अंजू लोग आ रहे सामान लेने में, अंजू किरण आए हमारा सामान लेने।
आज मौसम चेंज है, अभी धूप नहीं लग रही, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंचने वाले हैं घर, अभी थोड़ा ही दूर है। अभी अंजू लोग पीछे से आ रहे हैं, अंजू किरण वो ग्वाला आए हैं जो उनको पानी देने गए थे, तो हम चलते हैं। हम पहुंच गए हैं अपने घर। हेलो मम्मी। ओली ये डुगू कैसा कर रहा है डुगू ना? वही जा जा मुँह। ये कितना बोलने लग गए, ये कदू बुलाना है ऊजो, दांत पकड़ देना और डुगो छोड़ ऊजा डुगो तू मगर डुगो। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ अपने घर, और आते ही डुगो और रौनक दोनों ही शुरू हो गए हैं। डुगो ऐसे बड़ा हो गए हैं, आने से बोलने में ही है कौं कौं कौं। ये देखो हमारे डुगू बड़ा हो गया है। डुगू भी गैस ने अपने इसमें पानी डाल दिया। ये देखो हमारे डुगू छुड़गू। और हमारे ये मंकू हमने नीचे ही बांध दिया है, इसकी दो पट्टियाँ चली गई इसकी बहने। ये देखो डुगू और रौनक तो यहीं पे बैठ गया। तो दोस्तों अभी हम खाना खाते हैं, पापा को हमने खिला लिया। मम्मी ने बनाई है अरहर मलका की दाल, मिक्स दाल है, और साथ में हरी सब्जी, और साथ में बनाई है अंजू ने चटनी। आज काफ़ी दिनों बाद यहाँ का खाना खाएंगे, मम्मी के हाथों का बना चटनी। लंच करते हैं। हमारी गीतू भी आ गई है ग्वाला से, और इसकी हो रखी है एक पट्टी। मम्मी नाम क्या रखा? नाम तो दोस्तों इस बार हमारी गीता की एक ही पट्टी हो रखी है, जब मैं मायके गई थी उसी बीच हुई है। ये दूध भी बिल्कुल वाइट हो रखी है, इसका नाम हमने कब्बू रखा है। दूध भी नहीं पी रही यार, ये थोड़ा कमज़ोर हो रखी है। दोस्तों अभी हमारी तैयारी चल रही है भिटोली बांटने की गांव में, तो मम्मी लोग सबके लिए रख रहे हैं। तो दोस्तों सबके लिए रख दे हैं मम्मी ने, अभी मैं जाती हूँ नीचे वाली बाखली में देने, और अंजू चले गए पहले ही बीच वाली बाखली में गई हैं, ये मैं दे के आती हूँ पूरी। और साथ में देते हैं हम सह, चावल का सह है मीठा वाला, तो दे के आते हैं। अब यहाँ पापा के जाने की तैयारी हो रही, बैग पैकिंग, सब्जी है थोड़ा, और यह घी किसी ताई जी ने मंगाया है। तो वो है वो बको तो दोस्तों अभी हम चले पापा को पहुंचाने, और पापा का जाने का टाइम भी हो गया है। चलते हैं नीचे गुलजुखान तक पहुंचा के आते हैं मंदिर तक, फिर वहां से पापा चले जाएंगे। 4 बज गए लेकिन अभी भी काफ़ी तेज़ धूप है यहाँ। पापा आ रहे हैं पीछे से, अंजू में जा रहे हैं पहुंचाने। पलक पापा चले बगल, और पापा जा रहे हैं, हम यहीं तक पहुंचाने के लिए आए हैं। भारी बहुत हाजिर मिले, बैग तो काफ़ी भारी हो गया है। पापा बोल रहे ज़्यादा ही रख दिया तुमने, एक थोड़ा सा नान कर दिया तो निकल दो। ओ यार ठुल ठुल कुछ मोड़ रहा है, बोल बोले टाकना है ना ना है चलो छोटो बाहर हो ठीक से। पापा चले चल, हाँ पापा चले, हम यहीं तक पहुंचाने आए थे, अभी पापा चले जाएंगे, उनको रास्ते का भी पता चली गया है, और मैं अंजू चलते हैं घर को। अब अभी चले गए, थोड़ा देर के लिए आए थे बस पहुंचाने, चलते हैं। तो दोस्तों भैंस और बकरियां भी हमने बाहर बांध ली है, और पापा भी चले गए हैं, अभी पता नहीं कहाँ पहुँचे, अभी गाड़ी तो उनको उस टाइम नहीं मिली थी, वैसे मिली गई होगी। तो अब अंजू में जाएंगे घास को, आज काफ़ी दिनों बाद जा रही हूँ घास को। चलते हैं, मम्मी घर में ही है, घर का काम करेंगे, अंजू में चलते हैं। तो दोस्तों घास से हम आ गए हैं घर, और अभी हल्का हल्का अंधेरे भी होने लगा है, अंधेरा बिल्कुल साफ भी नहीं दिख रही मैं। वैसे तो आजकल गर्मी के दिन में थोड़ा अंधेरा देर से होता है,
इसीलिए 6:30 हो गए, बट अभी अंधेरा नहीं हुआ है। जाड़ों के दिनों में तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो वो घास से भी आ गए हैं, अभी बकरियों को बांधेंगे थोड़ा देर में गोट, क्योंकि गर्मियों के दिनों में हम थोड़ा देर में बांधते हैं। तो आज की वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करूँगी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अपनी फैमिली के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।